चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, खबर आ रही है कि बॉलीवुड के परफेक्टिस्ट मरियम खान की फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं, वो सेट पर घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण उनके पीठ में भी दर्द शुरू हो चुका है। दर्द के बावजूद अमिताभ बच्चन अपना शूट पूरा करने में लगे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि फिल्म के बिजी शेड्यूल में किसी भी तरीके से कोई बदलाव हो। इस वजह से दर्द में भी वो अपना पूरा काम जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको बता दें कि फिल्म में एक एक्शन सीन शूट हो रहा था और उसी दौरान अमिताभ बच्चन के पैर में चोट लग गई। इस हादसे के बाद यह साफ हो गया कि अमिताभ बच्चन अपने काम को लेकर कितने संजीदा हैं। उनकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन वो अपने काम को पूरे तरीके से पूरा कर लेते हैं, उसी के बाद वो दम लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमिताभ बच्चन तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने केबीसी की शुरुआत के 17 को याद किया था। केबीसी के शुरुआत को याद करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि केबीसी की शुरुआत के 17 साल और इसके साथ मेरे जुड़ाव को फिर से एक बार याद किया हूँ, बहुत सुहानी यात्रा थी और कहा अनुभव था। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन 102 नॉट आउट में भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन 102 साल के बुजुर्ग बने हुए हैं, जिसका बेटा 75 साल का एक बेटा होता है। फिल्म में माँ बेटे का किरदार में अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर दिखने वाले हैं।